بسم الله الرحمن الرحيم. हर नहोई रहम नारे फरमाए लगे हर नहोई रहम नारे फरमाए लगे मेरी आज की मालूजात का उन्वान नेकियों को खा जाने वाले दो भेड़िए नेकियों को खा जाने वाले दो भेड़िए नंबर एक रिया रिया गैर को दिखलाना नंबर दो सुना गैर को सुनाना। मेरी आज की मारूजात का उन्वान नेकियों को खा जाने वाले दो भेड़िए रिया नंबर एक रिया गैर को दिखलाना नंबर दो सुमा गैर को सुनाना जिसको कहते हैं शोहरत तलब या रखना शोहरत को तलब करना। अल्लाह ताला ने इस जहान में जितनी चीजें पैदा की हैं वो सब एक दूसरे की दुश्मन है। पानी आग का दुश्मन आग लकड़ी की दुश्मन बकरी सबज पत्तों की दुश्मन भेड़िया बकरी का दुश्मन सांप और बिच्छू इंसान के दुश्मन। दोनों चाहते हैं इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए। कहाँ इंसान की कदो कामत और कहाँ बिच्छू है कहाँ इंसान की कदो कामत और कहाँ बिच्छू। लेकिन ये इंसान को इतना तड़पाता है वो खुदा की पनाह। जिस तरह इंसान के जिस्मानी दुश्मन हैं इसी तरह इसके रूहानी दुश्मन भी हैं जो नेकियों को खा जाते हैं। बड़ों की बातों में नूरी नूर सुभानअल्लाह। अल्लाह ताला के यहाँ वो नेकी कबूल होती है जिसमें इखलास हो। अल्लाह ताला के यहाँ वो नेकी कबूल होती है जिसमें इखलास हो। इखलास का माना है कि ये काम अल्लाह ही के लिए है गैरुल्लाह के लिए नहीं है। आपका गैरुल्लाह को न दिखलाना न सुनाना न गैरुल्लाह से वाह वाह कराना पेश नजर हो। गैरुल्लाह की नफी जरूरी है। मसलन एक शख्स मस्जिद महल अल्लाह के वास्ते बनाता है उसमें विरासत नहीं चलेगी मगर शैतान लेकिन दिल में ख्याल लाएगा लोग कहेंगे फला शख्स ने बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई। अगर तरबियत याफ्ता होगा तो इस ख्याल को रद्द कर देगा। अगर रद्द न किया तो शैतान इतनी बड़ी नेकी के काम को जाया कर देगा। लेकिन हादी जब तक तंबी न करे तो शैतान लईन नेकी को बचने नहीं देता। नेकी करना आसान नेकी को महफूज रखना उससे मुश्किल काम ज्यादा है। हादी आहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी आहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के गुदाम और मुजिल गुमराह करने वाले मुजिर शैतान के एजेंट होते हैं और वो यानी हादी नेकी की तरफ और ये मुजिल बुराई की तरफ दावत देते हैं। दोनों हर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आ रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे। हादी भी रहेंगे नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाले मुजिल शैतान के एजेंट भी रहेंगे जो बुराई की तरफ दावत देंगे। भेड़िया अगर बकरी को फाड़ जाए तो वो हमारे काम की नहीं रहती। इसी तरह रिया और सुमा नेकी को बाकी रहने नहीं देते। शैतान लईन जरूर ख्याल गैरुल्लाह का लाता है अगर तरबियत याफ्ता होगा वो इस ख्याल को रद्द कर देगा वरना वो नेकी को बचने नहीं देगा।
अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। हदीसी में आता है, हदीसी में आता है, क़यामत के दिन ऐलान होगा, जिसने जिसके लिए दुनिया में काम किया था उसी से जाकर अजर लेगा, मगर वहाँ सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कोई कोई ना होगा। मुनाफिकीन का मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊना नास वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। तर्जमा, और मुनाफिक जब नमाज में खड़े होते हैं तो लोगों को दिखलाते हैं और अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं। यही वो रिया की रूहानी बीमारी है कि मुनाफिकीन नमाज में इसलिए शामिल होते थे कि लोग उनको देखें ये भी नमाजी हैं, वरना अंदर से तो वो काफिर थे। दूसरी जगह मुनाफिकीन की सुमा की बीमारी का जिक्र फरमाते हैं, سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم। तर्जमा, झूठ बोलने के लिए जासूसी करते हैं और वो दूसरी जमात के जासूस हैं जो आप तक नहीं आई। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपनी इसलाह के लिए नहीं आते। कितनी बड़ी बदबख्ती, हुजूर के कदमों में रहकर महरूम रह गया। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी पर, वो अपने इस्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपने इस्लाह के लिए नहीं आते थे, बल्कि यहूद की CID बनकर और उनकी जासूसी करने के लिए आते थे। अपनी इस्लाह के लिए हुजूर के इशादात नहीं सुनते थे, बल्कि यहूद को रिपोर्टें पहुंचाने के लिए मुनाफिकीन जासूस थे। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, बड़ों की बात में नूर ही नूर। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे करते रहते हूँ भाई फारूक साहब, दुनिया की वाह वाह कुछ नहीं आ रखा, बस रब की बारगाह में वाह वाह होनी चाहिए। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना, जो महज अपने अमल को मशहूर करने के लिए करे, खुदावंद ताला उसके रिया के अमल को अपने मखलूक के कानों तक पहुंचा देगा और उसे जलील और रुसवा करेगा। नमाज अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़नी चाहिए, नमाज अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़नी चाहिए, लेकिन लाहौर के मुझे ऐसे वाकयात मालूम हैं, लड़की के वालदेन ने रिश्ता इसलिए देने से इनकार कर दिया कि लड़का ना नमाज का पाबंद। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला लड़की के वालदेन रिश्ता देने से इसलिए इनकार कर दिया कि लड़का नमाज का पाबंद नहीं, दाढ़ी भी नहीं रख लड़का और ना दाढ़ी रखता है। लड़के को जब इसका इलम हुआ तो उसने दाढ़ी भी रख ली और नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी। जिस मस्जिद में लड़की का बाप नमाज पढ़ता था उसमें नमाज पढ़ने लगा। जब शादी हो गई ना नमाज रही ना दाढ़ी रही। अरबी में कहते हैं, इजाफात शर्त फात मशरूत, जब शर्त खत्म हो गई तो मशरूत भी खत्म हो गया। बाद लोग घर में ना नमाज पढ़ते हैं ना रोजा रखते हैं, लेकिन सफर में लोगों को दिखाने के लिए नमाज भी अदा करते हैं और रोजा भी। ये रिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन दोनों भेड़ियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी है, नमाज भी पढ़ें अल्लाह ताला की रजा के लिए, दाढ़ी भी रखें अल्लाह ताला की रजा के लिए। अगर करता रहता हूँ, दाढ़ी की मोहब्बत तो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के सीने में रखी है।
अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज़ करता रहता हूँ, हमारे कितने भाई ऐसे हैं, बस सिर्फ एक दाढ़ी की कमी है, लेकिन दिल सब पे अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस अल्लाह ताला से ना ये दुआ करते रहा करें कि या अल्लाह, जैसे आपने मुझे और खूबियों से नवाजा है, या अल्लाह इस नए खूबी से भी नवाज दे। लेकिन किसी को हकीम नहीं समझना है। बाज़ दफ़ा मोहब्बत भी कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। इसलिए कहते हैं किसी मुसलमान को हकीम न समझेना है। अल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है, मेरे आम तौर पर कुछ ज़्यादा कहने का मामूल नहीं है, दाढ़ी के बारे में भी तरगीब दे देता हूँ मोहब्बत से कभी कभी। अल्लाह का शुक्र है, बगैर कहीं मैं देख रहा हूँ हमारे भाई इतना जुम्मे पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे अभी तक दाढ़ी नहीं रख सके, लेकिन सब पे दिल दाढ़ी की मोहब्बत से भरे हुए। देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भाई फारूक साहब शुरू में जुम्मा पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चमका दिया मेरे चेहरे पर। बात में कितने साथ होते हैं, सबके लिए दिल में दुआई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, लेकिन किसी को हकीम नहीं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, आप यहाँ तशरीफ लाते हैं, आप हजरात को सबको अपने से बढ़कर और बढ़कर समझता हूँ। अल्लाह ताला अपनी अल्लामा इकबाल मरहूम का वाक़िया है, कभी कहीं मैं सुना देता हूँ। अल्लाह ताला अपनी में है, नीयत तो सभी कर देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हर खूबी से हमें नवाजे। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी है, बच्चों में बड़ी बड़ी नेकियाँ होती हैं। और पता नहीं मखलूक खुदा की खिदमतें खलक की और मखलूक के साथ हमदर्दी की, पता नहीं कितनी नेकियाँ होती हैं। अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए, अल्लाह ताला अपनी हमदर्दी के जज्बात से भरे होते हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी, हमारे ये सुकून काले के बच्चे भी, ये भी बड़े मेरे करूँ, बस थोड़ा सा इनको है कि नेक सोहबत मिल जाए, ये अंदर से चमकते हुए हीरे हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में, मैं मलेशिया जा रहा था, मलेशिया अल्लाह मुझे तो भाई फारूक साहब, मैं सुकून पड़ा हुआ नहीं हूँ यार, मैंने सुकून का मुँह तक नहीं देखा है। जो कुछ सीखा चटाइयों पर ही सीखा, उर्दू की लिखाई मेरी शायद आपसे भी अच्छी हो, किताबत मेरे सीख रखी है। अल्लाह ताला पढ़े, अल्लाह का शुक्र है, कई किताबों का मुसन्निफ हूँ मैं। उसे हमारे एक बुजुर्ग साहब फरमाने लगे, आपने स्कूल में कितना पढ़ा? मैं कहा उसाई मेरे स्कूल में कुछ ही पढ़ा, जो कुछ सीखा चटाइयों पर ही सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, चटाइयों की बरकत से आप गुरुओं की दुआएं हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए, हमारे बड़े बुजुर्ग साहब फरमाने लगे, अंग्रेज से हमने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, हम लिखना पढ़ना इससे पहले भी जानते थे। हाँ, वो तो बल्कि अंग्रेज ने है, अंग्रेज तो मुसलमानों का शागिर्द है, ये उन्दलुस में ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी होती थी, अपना वहाँ ये पढ़ने के लिए आते थे। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, इसलिए कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो पुत्र। थोड़ा बहुत अंग्रेजी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की याद रखना, थोड़ी सी पढ़ी ए बी सी डी एच एफ, ये थोड़ी बहुत शुरू में ए पर मैंने से भी है शुरू में कवायद पढ़े। अल्लाह ताला पढ़े आपको ये हल्ली पढ़े से आप है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लंदन में था, वहाँ पर बातचीत करता, अल्लाह का शुक्र है अब कई साथी, अब वो अब वहाँ पर वो अंग्रेजी जानने वाले थे, अब हमारे सुकून काले के हमारे नेक तलबा मौजूद वहाँ पर, अब वो अंग्रेजी बोल लेते, अब मेरी बात है वो सुनकर आगे अंग्रेजी में तर्जमा कर देते, अब उनकी अंग्रेजी काम आ गई। आजकल है ये दफ्तरी जुबान है और माहौल है उसमें अंग्रेजी। मैं वहाँ लंदन जा रहा तो जहाज अभी लंदन के करीब ही था,
अब वहाँ फॉर्म फिल करने होते हैं कि आपने शायद जो जिन्होंने सफ़र किया है वो जिहाद में नहीं गए, जो बिल्कुल पहली दफ़ा सफ़र करने हों तो फॉर्म फिल करने होते हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, मैं फिर जिहाद में कोशिश करता हूँ, जिहाद में भी नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोशिश अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी जैसे मौका मिलता है बस, क्योंकि जिहाद में सफ़र की नमाज पढ़नी होती है, दो रकत पढ़ लेता हूँ पीछे को कहीं भी अल्लाह ताला। बल्कि लंदन के करीब जिहाद जा रहा था तो वहाँ क्योंकि सूर्य गुरूब होने का पता नहीं चल रहा था, मुझे मुझे बहरहाल पर मुझे 3 मरतबा मगरिब की नमाज ना थी, मगर शायद अब तो वक्त दाखिल हो गया, दाखिल हो गया। अल्लाह ताला अपनी मेहरूब पढ़े अल्लाह ताला। मैं वहाँ पर हूँ, मैं खार को जिहाद में कोई जोहर का वक्त होने वाला था, जोहर मैं नमाज तैयारी के लिए खड़ा हुआ, एक भाई पीछे बैठे हुए, अल्लाह ताला अपनी मुझे कह रहे आप नमाज पढ़े, मैं आपको फार्म फिल करता हूँ संगत में, अब तेरे पर बड़ी मोहब्बत, मैं नमाज पढ़ कर फारग हुआ, उसे फार्म फिल करके मुझे दे दिया, ये आपकी सलाहियत है, आप अंग्रेजी पढ़ें, इंजीनियर पढ़ें, ये सब खिदमत के ही शोबे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जिम्मे भी हम चटाइयों के तुराबार है, इनके जिम्मे भी खिदमत है आपका अल्लाह ताला, आपके जिम्मे खिदमत ये है। देखो ये एक एक लुक्मे की जो खिदमत करते हैं, ये इनके दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत है यार, वो इसलिए खिदमत करते हैं। आप अल्लाह ताला के दीन को बेफिक्र होकर पढ़े हैं, और फिर कितने लोग, कितने अल्लाह ताला के बंदे दीन के प्यासे हैं, आप उनकी दीन की प्यास बुझाएं, उनकी रहनमाई करें यार। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए अल्लाह ताला, अल्लाह बड़ी मोहब्बत से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मैं लंदन में था, वहाँ ही बेचारे लोग, ये हमारे कुछ साथी हैं, ये थोड़ी सी ये बयानात में कोई थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हो तो कोशिश करते हैं अंग्रेजी के दो नफर मिलाए यार। अल्लाह के बंदो, आप इखलास से सादा ही बोल बोलेंगे अल्लाह, अगर इखलास होंगे वो दिलों में जाकर लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए अल्लाह, ये हमारे मेवाती हजरात ये तबलीगी जमात का बिल्कुल सीधे साधे अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, क्या बात से बात निकल जाती है अल्लाह ताला, कौन सी घड़ी ठीक है, दोनों ही खराब है मेरा ख्याल। अल्लाह ताला अपनी आज मेरा जल्दी आया, ऐसे कोशिश तो की जल्दी, फिर यहाँ अगर तकलीफ शुरू हो गई फिर दोबारा तैयारी की नमाज की, इसलिए कुछ देर कोई बीमार आदमी हो शुगर की वजह से बाद दफा अचानक मुझे दोबारा तैयारी करनी पड़ जाती है। बहरहाल जितना भी मिल बैठ जाए इसको गनी समझे हैं, हाँ ये हमारे बच्चे सुकून काले में पढ़े, ये हमारे अपने ही बेटे हैं, हाँ अल्लाह ताला अपनी नेक और सोहबत का ख्याल रखे, हाँ गलत माहौल से बचे, गलत सोहबत से बचे। मैं आपके नेक बहुत से नेक असाज़दा को भी जानता हूँ, जो सुकून काले के नेक असाज़दा अंग्रेजी के उस्ताद भी, लेकिन नमाज के पाबंद हैं, हाँ, हमारे एक सर पर है, हमारे हमारे नेक प्रिंसिपल हैं, उनके दो सुकून हैं, मुझे खूब बताने लगे हमारे सुकून में एक अंग्रेजी के उत्साह है, मुझे मिले भी कुछ थोड़ा बहुत मोहब्बत का ताल्लुक भी है उनका, बैत तौबा का ताल्लुक भी, मुझे खूब उनके जो प्रिंसिपल थे वो बताने लगे कि ये अंग्रेजी के उत्साह हैं, लेकिन फरमाए इनके पास सुकून की जो भी जमात पढ़ती है वो 5 वक्त की नमाज की पाबंद हो जाती है, चुनाबा है ना, ये अपने असाज़दा को पढ़ते हैं आप, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए अल्लाह ताला। रात पता नहीं मैं कहाँ था, टोबा टैक्सी में था, वहाँ एक एक हमारे नेक लेक्चरार मिले, यानी प्रोफेसर थे लेक्चरार थे, वो खुद कहने लगे रब मखलूत माहौल होता है तो वहाँ पर रब बस वहाँ नजर का अंदेशा होता है, तो मैं कहा नहीं बस आपने आप बच्चों की तरफ देख लिया करें और बच्चियाँ हैं बस उनकी तरफ आपने कोशिश करें अपनी नजरों को बचो, अचानक नजर पड़ जाए वो वैसी माफ है, लेकिन अपने इरादे और अख्तियार से कोशिश करें अपनी नजरों को। मुझे भाई रजील है सऊदी अरब में रियाज शहर होते हैं, वो पहले यहाँ लाहौर में एक कॉलेज में लेक्चर आते हैं,
लेकिन हर शाह की मोहम्मद उसार रहमतुल्लाह ने अपने बुजुर्गों से ताल्लुक फरमाए लगे। मैं स्कूल में पढ़ाता था, अब वहाँ एक तरफ बच्चे बैठे होते एक तरफ बच्चे बैठी होती, लेकिन बस मैं अपना मुंह बच्चों की तरफ कर लेता। पर मैं मेरे इस अमल को देख कर ही कितने बच्चे ऐसे कि नमाज के पाबंद हो गए। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह है अल्लाह ताला अपनी महान है, अल्लाह ताला हर जगह कितना अल्लाह। मुसलमान तो मुसलमान तो हीरा है हीरा का रहा है। अल्लाह ताला हर मुसलमान के सीने में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का नूर का रखना। बस अल्लाह मियाँ से मुआमला नेक में अर करता रहता हूँ। आप अपनी दुकान को जन्नत की दुकान, अपने दफ्तर बनाते ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल में भी नेक असाज़ा ठंडी हवा है ना। अल्लाह ताला अंग्रेजी से मरूब नहीं होना है, जरूरत के लिए सीखें, कोई हरन नहीं आ रखना। अब आप देख लें करीब में अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं नहीं आ रहा। अल्लाह ताला अपने उनके सब वजीर हैं, सब सबके साथ मुल्ला तला पर लगा हुआ है, यही चटाइयों के तालिब इलम है, अमरीका का दिमाग ठिकाने लगाए हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, पहले दो मिनट उनमें दे फरमाए। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी हो, वो पहले दौर में तालिबान देखे किसी वजीर से पूछा गया आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप हुकूमत कैसे चलाएंगे, आप हुकूमत कैसे चलाएंगे। फरमा जवाब दिया कि हमारा निज़ाम जिस जुबान में है यानी अरबी जुबान में, वो हमसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है। खुदा है या कुरान पाक अरबी के अंदर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी। अब आप देख लें अपने हम अपनी जुबान में पश्तो में हम तो बहुत बड़ी जल्दी बीत जाते हैं ना, अब अपनी जुबान में पश्तो में उन्होंने वो इंटरव्यू दिए, अब उनको पड़ी हुई थी बाहर तो पश्तो के तर्जुमान ले भागते फिरे ढूंढे फिरे कोई पश्तो का तर्जुमान मिल जा रहा था। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह आह मुसलमान है ना मेरा करूँ ये अपनी अजमा को पहचाने। हम अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाना, हाँ चलो जरूर के दर्जे में से है सीखें, कोई हरज नहीं खराब होगा अल्लाह ताला है। लेकिन जैसे हज़रत हकीम उल उम्मत हज़रत थावर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ने अंग्रेजी पढ़ें लेकिन गालिब होकर पढ़ें, मगलूब होकर नहीं, उनके माहौल का असर न ले आप। अल्लाह ताला अपनी मैं बरतानिया के सफर में वहां मैंने देखा ये बरतानिया का शहर है ग्लासगो है, जैसे हमारा मरी का इलाका है ऐसे वहाँ ग्लासगो है। अल्लाह का शुक्र मुझे लगे वहाँ वहाँ हाजिरी हुई, वहाँ मगरिब के बाद या गालिबन इशा के नमाज के बाद ग्लासगो में एक हाल में बातचीत थी। तो मैं जैसे ही हाल में दाखिल हुआ यूं लगा जैसे रायवन मरकज में दाखिल हो रहा हूँ, बिल्कुल सब है वही अपने हैं वो अपने वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के लिबास पहन रखे हैं, ऊपर भी है वो सफ़ेद सी ये जिसे कहते हैं बाद ऐसे बस वो सफ़ेद रंग का लिबास नीचे सफ़ेद रंग का पजामा और ऊपर टोपी ले रखी, यूँ लग रहा है जैसे रायवन मरकज में दाखिल हो रहा, वो उस माहौल में रहकर भी याद रखना आगे उस माहौल से मुतासर नहीं। लेकिन ये जज्बा तब होता है जब है जब मेरे करूँ नेक मजालिस में आने जाने से अल्लाह ताला दिल को अल्लाह पाक अल्लाह कुव्वत अता फरमाते हैं, ईमानी वलवला अलहम्दुलिल्लाह, फिर वो माहौल से असर नहीं लेता ना ना। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पर कायम रखे, हम रास्ते में हैं, हम अपनी हैसियत को पहचाने कहाँ पर हैं और कहाँ पहुँचना है। याद रखना ये घर नहीं रह गए हैं अपने बच्चे हैं, नाज़िल कुरान पाओ तो सबको पढ़ाए और पढ़ाते हैं अल्लाह ताला का शुक्र हम नहीं, नाज़िल कुरान पाओ सबको पढ़ाए, एक हाफिज बन जाए दो हाफिज बन जाए अल्लाह ताला का इनाम। नेक तो अल्लाह ताला सब बच्चों को बनाया है और इनकी नेकी की तलकीन इनकी नेक सोहबत की तलकीन अल्लाह हमारे बच्चों की गलत माहौल से अल्लाह इनकी हिफाज़त फरमाए। ये जो फितने की चीज़ें हैं ना इनमें बच्चों को समझाते रहा करें हैं, कभी कभी बच्चों से रख कर देता हूँ तुलबास ये फितना है ना ये तो हर जगह ही पहुँचा हुआ है, मैं कहा वालदेन आप भी कहाँ तक निगरानी करें कहाँ तक निगरानी करेंगे, अल्लाह ताला है असाज़दा आप भी कहाँ तक निगरानी करेंगे, आप अपनी निगरानी खुद करें अपनी निगरानी खुद करें अपनी हाजिरी खुद लगाए जा रखना।
कि मुझे और कोई देखे न देखे, मेरे प्यारे मौला हर वक्त देख रहे हैं, बस उनके देखने को सामने रखे। बंदा कहाँ तक देख सकता है भाई फारूक, कहाँ तक देख सकते हैं, हमारी नजरें तो बहुत महदूद है। हम अगर सामने देख रहे हैं तो न दाएं देख रहे हैं, न बाएं देख रहे हैं, न पीछे देख रहे हैं ना, और अल्लाह भी अगर देखना कैसा है। अल्लाह सुभानअल्लाह, माह बात से बात बढ़ जाती है। अल्लाह देखना तो अल्लाह मियाँ का है। अल्लाह अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह देखना तो उन्हीं का है। वो मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, है दरख्त से जो पत्ता गिरता है वो भी रब के इलम में है। वला हब्बतिन फी गुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। या रब्बा अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमा, अल्लाह ताला है जमीन के अंधेरों में जो दाना छुपा हुआ है तर या खुशक, वो भी अल्लाह ताला के इलम में है, बस उन्हीं के देखने को सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह फिर ये मोहब्बत, आप अपनी दुकान को जन्नत की दुकान, अपने दफ्तर को जन्नत का दफ्तर, अपनी खेती बाड़ी को जन्नती खेती बाड़ी, अपनी मुलाजमत को आखर की मुलाजमत, बस रोजी के जितने बहाने हैं ये सब जन्नत के बहाने हैं। अल्लाह ताला सब को कबूल फरमाए और बरकतों से भर दे, खुशियों से भर दे। सामने मेरे ख्याल में घड़ी भी नहीं आई, क्या वक्त हो गया दोस्त? जज़ाकअल्लाह, अच्छा किया मुझे बतला दिया। अच्छा हाँ, अगले जुम्मे का ही बतला दूँ मैं, अगले जुम्मे को शायद वो मुझे चनाब नगर, चनाब नगर का जलसा है, सारा मेरा मामूल है, अगले जुम्मे को शायद यहाँ पर हाजिरी ना हो, बाद दफ़ा कोई और आर्डर पेश आ जाने बात है, वरना अगला जुम्मा मेरा चनाब नगर का है इंशाअल्लाह।